राज्य सरकार के खिलाफ वकीलों ने किया प्रदर्शन। एडवोकेट वेलफेयर एक्ट के अंदर 6 गुना फीस बढ़ाने को लेकर है नाराज। कलेक्टर को सौंपा राज्यपाल के नाम ज्ञापन। आज जिला बार एसोसिएशन के वकीलों द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इनका कहना है कि गत दिनों विधानसभा के अंदर जो एडवोकेट वेलफेयर अमेंडेड एक्ट पास हुआ है, उसके अंदर 17,500 के जो आजीवन फीस थी वेलफेयर फंड की, उसको बढ़ाकर सीधा 1,00,000 यानी 6 गुना बढ़ा दिया गया है, जो कि 25 के टिकट से वेलफेयर के उनको बढ़ाकर 200 कर दिया गया है। उसके विरोध में आज अजमेर जिला बार एसोसिएशन ने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल रखी है। उसके बाद ये लोग रूपरेखा बनाकर आंदोलन आगे लेकर जाएंगे। जब तक ये राज्य सरकार कानून वापस नहीं लेगी, इनका कहना है कि आंदोलन हमारा जारी रहेगा। इसलिए आज वकीलों द्वारा कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया और राज्यपाल से मांग की गई कि वह इस बिल पर हस्ताक्षर न करें और इस बिल को पास न होने दें। इनका कहना है कि राज्य सरकार ने अगर इस बिल को वापस नहीं लिया तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। गत दिनों विधानसभा के अंदर जो एडवोकेट वेलफेयर अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है, उसके अंदर 17,500 रुपये के जो आजीवन फीस थी वेलफेयर फंड की, उसको बढ़ा के सीधा 1,00,000 रुपया 6 गुना बढ़ा दिया गया है। और जो 25 रुपये के टिकट से वेलफेयर के, उनको बढ़ा के 100 रुपये और 200 रुपये कर दिया गया है। उसके विरोध में आज अजमेर जिला बार एसोसिएशन ने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल रखी है। उसके बाद हम आगे की रूपरेखा बढ़ा के उस आंदोलन को आगे ले जाएंगे और जब तक ये काला कानून राज्य सरकार वापस नहीं लेगी, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और उसके लिए हम आज कलेक्टर साहब को, राज्यपाल के पास हमने एक ज्ञापन भेजा कलेक्टर साहब के जरिए, जिसमें हमने इस काला कानून को वापस लेने से मना किया है कि काला कानून वापस ले लें और जो राज्यपाल साहब के पास हस्ताक्षर के लिए गया हुआ है उसको हस्ताक्षर ना करें। उसको लेके हमने राज्यपाल महोदय को एक कलेक्टर साहब के थ्रू एक ज्ञापन पेश किया है। दूसरा, आज हमने पूर्ण रूप से न्यायिक कार्य स्थगित रखा है और आगे भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेंगे, ये हमारे युवा अधिवक्ता हैं जिनके लिए 17,500 से के लिए बढ़ा के 1,00,000 रुपये करा गया है वेलफेयर फंड, उसके विरोध में, क्योंकि युवा अधिवक्ता एकदम इतना पैसा एक साथ जमा कराना असंभव है, उनके हितों पे और अधिकारों पे कुथराघात है, उसके विरोध में आज हमने न्यायिक कार्य स्थगित रखा है और हमारा आंदोलन आज से चालू हो गया है। और जब तक ये कानून वापस नहीं लेगा, जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा।